हरियाणा में 5 अक्टूबर को हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपनी जोर आजमाइश करने पर लगे हैं। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आप कांग्रेस अलायंस को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दोनों विरोधी पार्टियों पर तंज कसते हुए उन्हें भ्रष्टाचारी करार दिया है। दरअसल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सीट शेयरिंग पर चल रही बात आज सिरे चढ़ जाएगी। इसी बीच मुख्यमंत्री और लाडबा विधायक सीट से बीजेपी उम्मीदवार नायब सिंह सैनी ने कहा, दोनों दलों के अंदर भय है, दोनों भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं, ये सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना जानते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियां लोगों को बरगला रही हैं, जो उन्होंने लोकसभा चुनाव में किया। अब लोग समझ चुके हैं कि इनके नेतृत्व में विकास नहीं सिर्फ विनाश हो सकता है। कांग्रेस और आपका जैसे गठबंधन होने जा रहा है, उसके पहले टूटा फिर हुआ, आज फिर हाँ देखिए दोनों दलों के अंदर भय है, दोनों भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे हुए हैं। हरियाणा की जनता ने तय कर लिया है, चाहे कांग्रेस एक गठबंधन करे चाहे कांग्रेस 10 गठबंधन करे, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरे बार बड़े मैंडेट के साथ बन रही है। आज मैं सुबह से लाडवा की सरदारी के बीच में उनका आशीर्वाद लेने के लिए लगातार कार्यक्रमों में हूँ। लोगों का भरपूर आशीर्वाद और सहयोग उनका मिल रहा है और लोगों ने एक संकल्प लिया है कि लाडवा तो हम जिताएंगे, परंतु लाडवे से नियरेस्ट जितने भी जिले होंगे सब जिलों के अंदर कमल के फूल का हम खेती करने का काम करेंगे, कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। ये भी संकल्प हमारे लाडवा के लोगों ने लिया है। मुझे खुशी है कि जो आशीर्वाद जो प्यार दिया है उससे मैं अभिभूत हूँ। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो समझौता होने जा रहा है, कैसी चुनौती मानते हैं आप? नहीं देखिए, मैंने कहा है कि दोनों भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे हुए हैं और दोनों के दो लोगों को बरगड़ा करके सजा वाग दिखा करके वो अपना जो उल्लू सीधा करना चाहते हैं, जो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के अंदर FIR दर्ज है वो उनको उनसे बचना चाहते हैं, परंतु लोग समझ चुके हैं कि इनके नेतृत्व में विकास नहीं, इनके नेतृत्व में तो विनाश हो सकता है, विकास नहीं हो सकता। और ये लोग ना किसी का भला कर सकते हैं, ना प्रदेश का भला कर सकते हैं, ना प्रदेश की जनता का भला कर सकते हैं, ये लोग तो अपना ही भला कर सकते हैं। बता दें कि इंडिया अलायंस के तहत आप और कांग्रेस में सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है, यानी कि दोनों दल लोकसभा की तर्ज पर विधानसभा चुनाव भी साथ मिलकर लड़ेंगे। संभावना है कि आज कांग्रेस सपा के साथ साथ आपको दी गई सीटों पर भी लिस्ट जारी कर सकती है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि कौन कौन सी सीटों कांग्रेस देने में राजी हुई है। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड़, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।